वेलकम गाइस ITL पर वीडियो में इन्फिनिक्स का फ़ोन, अगर इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हैं तो वो आप कैसे चेक करेंगे ये मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करना और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप इजीली चेक कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वैसे इन्फिनिक्स का फ़ोन अभी आया लेटेस्ट, तो इसमें अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं तो ये मैं आपको बता दूंगा, इसमें रैम क्या है और स्टोरेज क्या है। बहुत चीपेस्ट प्राइस पे बहुत सस्ता फ़ोन आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसको किस तरह से आप करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे फ़ोन की सेटिंग के अंदर, वहाँ जाके सारा सेटअप हमें मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग का आइकन ये रहा, आप यहाँ से जाके इस पर टच कर देना तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप सेटिंग समझ में नहीं आ रही तो ऊपर स्लाइड करके नीचे आएंगे तो ऊपर भी सेटिंग का आइकन होता है, यहाँ से भी आप सेटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं। दोनों साइड से आप सेटिंग के आइकन पर जा सकते हैं। जब ये ऑप्शन आ जाएगा तो आपको सबसे नीचे आएंगे, ऊपर ये मेरे ख्याल से माई फ़ोन, इस पर आप टच करना है। माई फ़ोन पर टच करेंगे तो ऊपर आपको दिख जाएगा जो इन्फिनिक्स का मॉडल नंबर है, यहाँ पे हॉट 30i और इन्फिनिक्स X669C, ठीक है, ये मॉडल दे रखा। और एंड्रॉयड वर्जन इसका 12 अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, वैसे 13 भी आ गया है लेटेस्ट, तो इसमें जो है अभी 12 दे रखा। हीलियो का G37 का इसमें जो है CPU लगा हुआ है प्रोसेसर। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है और आपको जो पीछे का बैक ड्यूअल कैमरा दिया हुआ है, ये जो है डुअल कैमरा दिया हुआ है, ये आपका जो है 50 मेगापिक्सल दोनों 50-50 के हैं, तो 100 मेगापिक्सल हो गए दोनों, ठीक है। इसमें बता रखा है 100 मेगापिक्सल, यहाँ पे 50-50 मतलब 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा, मतलब दोनों मिला के 50 मेगापिक्सल है, 25-25 के होंगे, ठीक है, 50+ नहीं कर रखा इसमें, तो दोनों 25-25 करके 50 मेगापिक्सल है। इसमें आपको जो रैम है ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें रैम आपको 8+5, इसमें 8+8 दे रखी है, ये देखिए 8+8 यहाँ पे मॉडिफाई और रीस्टार्ट हो गया। इसमें जो आपको रैम दे रखी है वो 8+8 है। तो ये चीज़ है जो आपको चीपेस्ट प्राइस पे जो फ़ोन के अंदर मिल जाता है, 8+8 की जो है इसकी रैम दे रखी है, तो बहुत 10,000 में ये आपको बहुत बेस्ट फ़ोन मिल रहा है। और कैमरे की क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, अभी ये स्टार्ट हो जाए तो मैं आपको कैमरे की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। तो ये हमने जो है 8+8 कर दिया है, तो अभी प्रोसेसिंग चल रही है, सारी लोडिंग जो है वो भी इंस्टॉल हो रही है। ये हमारा हो चुका है 8+8, अब हम फिर से सेटिंग के अंदर जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर। ये देखें 8+8 आपको शो हो रहा होगा, ये ब्रैकेट में प्लस के साथ आ रहा है यहाँ पे 8+8, ठीक है। तो नीचे आ गया एक्सपेंडेबल 8 और 128 GB इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज है, 5000mAh की बैटरी दे रखी है, रेजुलेशन 720 और 1612 दे रखी है, कलर वर्जन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका डेवलपर ऑप्शन अगर आपको देखना है वो आप मोर इन्फॉर्मेशन में जाके हार्डवेयर फ़ोन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।